माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद उनके शव को सुपुर्दे खाक किया जा चुका है। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड दसियों कैमरे पर कई एंगल से कैद हुआ है। महज 40 सेकंड और 18 राउंड फायरिंग के बाद मौके पर पुलिस के सामने थी अतीक और अशरफ की लाशें, 3 शूटर्स और उनकी बंदूकें। इस हत्याकांड में यूज की गई बंदूकों को लेकर अब नई जानकारियां सामने आई हैं। शूटर्स ने जो पिस्टल यूज की वो तुर्की में बनने वाली जिगाना पिस्टल्स हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गन मलेशिया और तुर्की साथ मिलकर बनाते हैं। जिगाना पिस्टल भारत में बैन है, इसे गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर भारत लाया जाता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत लाई जाती है। इसकी कीमत करीब 5 से 7 लाख रुपए बताई जाती है। इस पिस्टल की खासियत है एक बार में 15 गोलियां लोड होती हैं। अतीक अहमद हत्याकांड में दनादन फायरिंग भी इसी का कारण था। इससे पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी इसी पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। इस जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा लॉरेंस बिश्नोई गैंग करता है। इसके अलावा अतीक अहमद को मारने वाले अरुण मौर्या की पूर्व में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से निकटता भी रही है। अब इस पूरे मामले की जांच कर रही एजेंसियों ने ऐसे सभी पहलुओं पर अपनी जांच की सुई इस दिशा में घुमा दी है। खबरों के मुताबिक इस पिस्टल को आधिकारिक तौर पर मलेशिया सेना, अजरबैजान सशस्त्र बल, फिलीपींस राष्ट्रीय पुलिस और यूएस कोस्ट गार्ड इस्तेमाल करते हैं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी आधुनिक और महंगी बंदूकें लवलेश, अरुण और सनी जैसे शूटर्स के पास आई कहां से? पुलिस इस पर तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इधर पता चला है कि तीनों आरोपियों की लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। वहीं अतीक अहमद की हत्या में शामिल लवलेश की मां अपने बेटे की इस करतूत से हैरान है। वहीं दूसरे आरोपी अरुण मौर्या पर तो जीआरपी पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि उन्होंने बड़ा माफिया बनने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस उनके बयानों पर यकीन नहीं कर रही है। पुलिस ने कहा है कि उनके बयानों में विरोधाभास है। इसके पहले 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीनों आरोपी लवलेश, अरुण और सनी पत्रकार बनकर मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस कस्टडी में है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हत्याकांड की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है।